केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हमारे साथ हैं। ज्योति जी, उत्तर प्रदेश में जो अतीक अहमद का बोलबाला था एक समय में, अगर कहा जाए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, आज उन्हें और उनके भाई दोनों को ही उम्र कैद हुई है, तो क्या इस पर लगता है कि कानून का शासन अब लोगों में विश्वास पैदा होगा? देखिए, 2017 के बाद से, जब से माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली, शपथ लेते ही उन्होंने कहा था कि एक जो आतंक का भय है, एक गुंडागर्दी करने वालों ने जो एक माहौल बनाया था उसको ख़त्म करेंगे। और अभी आपने देखा होगा किसी पार्लियामेंट विधानसभा में उन्होंने कहा था, चिंता मत करो, हम मिट्टी में मिला के छोड़ेंगे। क्यों? इनको सजा नहीं हो पाती थी, कोर्ट तक नहीं जाते थे, क्योंकि उनको सरकारों का संरक्षण रहा, पार्टियों का संरक्षण रहा। और मेरा मानना ये है कि अन्याय करने वाला आदमी किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, वो किसी दल का नहीं होता, अपने स्वार्थ का होता है। वो व्यक्ति जो कितने लोगों को रुलाया होगा, कितने लोग परेशान हुए होंगे, गवाहों को मरवाने का काम, गवाहों का अपहरण करवाने का, आज गवाह देने पहुंचे क्यों? क्योंकि माहौल दिया योगी जी ने। यदि वहाँ कोर्ट में कोई गवाही देने वाला नहीं होता, यही होता रहा है, गवाही देने वालों को या तो डरा दिया गया या रास्ते से हटा दिया गया। योगी जी ने माहौल दिया और वो लाखों लोगों को रुलाने वाला आज जब कोर्ट ने सजा सुनाई, बेहोश होके गिर गया। उनसे पूछो जिनके परिवार उजड़े हैं, जिनके माथे का सिंदूर उजड़ा है, जिनके मासूम बच्चों का साया छीना है, उनकी क्या बीती होगी? जो गवाह थे पाल, जिनका की हत्या की गई, और उनकी माँ और पत्नी ये मांग कर रही थी कि अतीक अहमद को मौत की सजा मिलनी चाहिए, ताकि आगे फिर गवाह डरे नहीं कचहरी जाने से। अभी तो आजीवन कारावास हुआ है ना, अभी तो एक केस में आजीवन कारावास हुआ है, 100 केस हैं, एक दो केस नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे? अभी तक कोई बयान नहीं आया अखिलेश यादव का, नहीं, हर मुद्दे पे अखिलेश सड़क पर आकर के बयान देने लगते हैं। जब साबरमती से प्रशासन लेके चला था, अखिलेश जी कह रहे थे गाड़ी पड़ जाएगी, चिंता कर रहे थे, ऐसे लोगों की चिंता, जो लाखों लोगों को रुलाने वाले लोग थे। पूर्वांचल, प्रयागराज के लिए नहीं, पूरा पूर्वांचल इनके आतंक के साए में जी रहा था। पुरानी सरकारें नजरअंदाज करती थी या फिर सरकारों के साथ मिली भगत? देखिए, कहीं ना कहीं या तो वोट बैंक उनको दिखाई पड़ रहा होगा, या फिर उनको लग रहा होगा कि इनके बल पर हम लोग सत्ता में आएंगे, कोई ना कोई तो कारण रहा होगा। कोर्ट में हाजिर ना होना, कोर्ट में बरी हो जाना, ये तो वही बता सकते हैं कि हम क्यों नहीं इन पर शिकंजा कस पाए। मैं तो माननीय योगी जी को अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने एक उत्तर प्रदेश में एक उत्तम प्रदेश बनाने के लिए भयमुक्त समाज, भयमुक्त वातावरण देने का काम किया है। कई और अभियुक्तों के घरों पर भी बुलडोजर चल रहे हैं, जिसका विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही हैं कि उनके घर वालों का क्या दोष है कि योगी जी अभियुक्तों के घर पर भी बुलडोजर चलवाते हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अकूत संपत्ति, गरीबों की जमीनें हड़प करके जिन्होंने भवन खड़ा किए हैं, तो क्या उन भवनों में ऐसे गुंडे पैदे होने देना चाहिए? भय होना चाहिए, आंसू आने चाहिए आतंकवादियों, गुंडागर्दी करने वालों के। और वो योगी जी ने काम किया है, मैं 100 बार अभिनंदन करूं तो कम है योगी जी के लिए। आज उत्तर प्रदेश लोग निवेश करने के लिए डरते थे कि हम जमीन खरीदेंगे, उसके पहले वहाँ उगाही करने वाले आ जाएंगे। आज उत्तर प्रदेश देश का निवेशक नहीं, बाहर के निवेशक भी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आए हैं और वहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए काम कर रहे हैं। पहले आजम खान और अब अतीक अहमद और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई होना, क्या लगता है कि एक एक कर सभी बाहुबलियों को उत्तर प्रदेश में ख़त्म कर दिया जाएगा? देखिए, बाहुबली तो नहीं कोई बचेगा, बाहुबली जनता को भय पैदा करके
अपना कुर्ता टाइट करके गली में घूमे, ये तो नहीं होगा योगी की सरकार में। पूरा विपक्ष लामबद्ध होकर लगातार संसद में हंगामा कर रहा है। राहुल गांधी को जो डिस्क्वालीफाई किया गया और अब उनके बंगला खाली करने के लिए भी 1 महीने के नोटिस दिए गए हैं। उनका कहना है कि जल्दबाजी की जा रही है, विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है। पहले भी लोग ऐसा करते रहे लेकिन इतनी जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती थी। ये केस राहुल गांधी का आज का नहीं है। 2019 के चुनाव में एक जाति विशेष को टारगेट करके, यूं मैं कहूं कि ओबीसी समाज को टारगेट करके, ये संविधान ने क्या इनको अधिकार दिया है किसी भी जाति और किसी समाज को टारगेट करके बोलना एक व्यक्ति के कारण? किसने अधिकार दिया है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस संविधान से ऊंचे हो गए, देश से बड़े हो गए? देश से बाहर जा करके कहेंगे देश का संविधान खतरे में है? क्या राहुल गांधी अपनी दादी का समय भूल गए? संविधान तब खतरे में था जब खेत में बकरी चराने वाले को भी जेल में ठूस दिया गया था, खेत में हल चलाने वाले को भी उठा करके जेल में ठूस दिया गया था। तब संविधान खतरे में नहीं था? तब संविधान खतरे में नहीं था जब गौरक्षा आंदोलन करते हुए संत दिल्ली में कूच करके आए थे, उनके ऊपर गोलियां चली थी? तब संविधान खतरे में नहीं था? क्या राहुल गांधी कभी अपने अंदर झांक करके देखते भी हैं पार्टी के अंदर? क्या संविधान तब खतरे में नहीं था जब 84 के दंगों में सिखों को जलती हुई भट्टी में झोंक दिया गया था? तब संविधान कहाँ था? तब संविधान नहीं खतरे में था? आज संविधान को देश के बाहर जा करके बोलना कि संविधान खतरे में है भारत का, मोदी जी के खिलाफ क्या बोलो बोलते रहो और बोलने में कोई कसर छोड़ी भी नहीं। माँ कहती है मौत की सौदागर जहर की पुड़िया, तो बेटा तो बोलेगा ही। मोदी जी के लिए बोलो लेकिन संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस खतरे में है। अब तो सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर जेपीसी की मांग कर रही हैं अदानी मामले में। संसद लगता नहीं कि चल पाएगा, हर दिन हंगामे में। आपने 2019 में भी देखा था राहुल गांधी क्या बोले थे मोदी जी के लिए, 2 सत्र नहीं चलने दिया था राफेल को लेकर के, और वही राफेल आज भारत के अंदर गरज रहे हैं। सिर्फ इनको राजनीति, आगे चुनाव दिख रहा है इसके कारण एक होकर के, इनको देश की चिंता नहीं है। ये पूरा विपक्षी एक हो जाए, राजनीतिक पार्टियां गठबंधन कर सकती हैं लेकिन देश की जनता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गौरव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ गठबंधन है क्योंकि हमने गरीबों के लिए काम किया है। हम काम के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने उस मुसीबत से बचाया, शायद मोदी जी जैसा व्यक्तित्व तो नहीं होता तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरे थे उससे ज़्यादा भुखमरी से मर जाते। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना, लोगों को, पूरे भारतवासियों को वैक्सीन देना और अपने देश को नहीं दूसरे देशों को भी भेजना, ये मोदी जी के कारण सब संभव हुआ है, उनकी सूझबूझ के कारण। इसीलिए हमारी सरकार की नीति भी है, नियत भी साफ है, काम करने की क्षमता है। हम काम के बल पर जनता के बीच में जा रहे हैं, गठबंधन होता रहे। पहले भी हुआ है गठबंधन, अखिलेश ने, राहुल ने गठबंधन किया, अखिलेश मायावती ने गठबंधन किया, सब गठबंधन से ही चुनाव लड़े हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस कह रही है कि ओबीसी मामले को खामखा भाजपा तूल दे रही है, उनके भी 2 मुख्यमंत्री चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जो ओबीसी से समाज से आते हैं। नहीं तो उन मुख्यमंत्रियों को कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी ने कुछ कहा क्या? तुमने फलाने समाज एक जैसे हैं ये कह करके, एक तुम्हें गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हजम नहीं हो रहा? क्यों ऐसा कर रहे हो? ये प्रजातांत्रिक देश है, आजादी के बाद से तुम्हारी सरकारें रही हैं, वो गरीब नहीं दिखाई पड़ा जिसके घर में शौचालय नहीं था, जिसके घर में लाइट नहीं थी, जिसको पक्की छत नहीं मिली थी, लकड़ियां ना होने के कारण माँ अपने बच्चों को भूखे सुलाती थी, गैस चूल्हा जिनको दिए गरीब नहीं उनको दिखाई पड़ रहा था? गरीबी का नारा लगाकर वोट बैंक तो किया लेकिन गरीबों का ध्यान नहीं दिया ना चिंता की।
मोदी जी को बधाई देती हूँ जिन्होंने, क्योंकि गरीबी राहुल गांधी ने नहीं देखी, मैंने देखी है गरीबी, कि घर ना होने से क्या दिक्कत होती है, खाने की व्यवस्था ना होने से क्या दिक्कत होती है। मैं उस परिवार से, उस बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे मालूम है। आज उस गरीब से पूछो जिसको पक्की छत मिली है, उसके अंदर की खुशी झलकती है कि, और मोदी जी को आशीर्वाद देती है। धन्यवाद ईटीवी भारत से बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि गठबंधन तमाम जो हो रहे हैं या फिर जो मांग उठाई जा रही है वो 2024 के चुनाव को देखते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री का गठबंधन जनता से है और जनता के बीच उनका विश्वास है, और 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही भाजपा की सत्ता आएगी, ऐसा दावा है। ईटीवी भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ अनामिका रत्ना।